हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेजर डायनेस्टी पार्ट 4। और इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सम अदर इम्पॉर्टेंट मेजर डायनेस्टीज। लेट्स स्टार्टेड द सतवनहा डायनेस्टी। द ओरिजिन ऑफ द डायनेस्टी, द किंग ऑफ सिमोका फाउंडेड वॉज सतवनहा डायनेस्टी एंड दिस डायनेस्टी नोन बाय द नेम ऑफ आंध्रा एज वेल एज सतवाना डायनेस्टी। इस डायनेस्टी को आंध्रा डायनेस्टी भी बोला जाता था। एंड द सतवाना रूल इज स्टार्टेड अराउंड 60 BC इन आंध्रा, ऐसा माना जाता है। इसके कुछ जो इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं वो ऐसे हैं, सताकर्णी, जिन्होंने 180 to 124 BC रूल किया। सताकर्णी वॉज द थर्ड सतवाना किंग एंड सतकर्णी द फर्स्ट सतवाना किंग टू एक्सपेंड हिज एम्पायर बाय मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। ये पहला रूलर था जिसने अपने मिलिट्री मतलब जो एक्सपेंशन किया अपने मतलब एम्पायर का बाय मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया था। ही कॉन्क्वर्ड कलिंगा आफ्टर द डेथ ऑफ द खारावेला एंड ही ऑल्सो पुश्ड बैक द सुंगाज इन पाटलिपुत्रा एंड ही ऑल्सो रूल्ड ओवर मध्य प्रदेश एंड नेक्सिंग द गोदावरी वैली एंड ही अज्यूम द लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। His queen was Nayanika, who wrote the Nanne Ghat inscription which described the king as a Dakshina Patpati. He performed Asmedha and the revived Vedic Brahminism in the Deccan. ये Asmedha perform किया करते थे और जिसने उन्हें revive किया फिर से Brahminism को in Deccan part. Deccan part जो southern part है उसको बोला जाता है, उनमें इसमें कुछ reason जो है। The Gautami Putra Satakarni, he considered the greatest king of the Satavahana dynasty. सबसे मतलब इनको greatest king माना जाता है इस dynasty का। He defeated the Greeks, Pahlavas and the Sakas. His kingdom reigned from Krishna into south and Malwa and Saurashtra in the north and from Berar in the east and the Konkan in the west. And he defeated Nahanapana in important kings of western Satparas. He also called as Eka Brahmana. इनको एका ब्राह्मणा भी बोला जाता था। ही मदर वॉज गौतमी बलासारी, हेंस हिज नेम इज गौतमी पुत्रा। ही सक्सेडेड बाय हिज सन वशिष्ठ पुत्रा श्री पुलवामी एंड द पुलवामी सेकंड। अब डेवलपमेंट जो है इस सतवाना डायनेस्टी का, इस किंगडम चीफली कंप्राइज मॉडर्न डे ऑफ आंध्र प्रदेश का जो रीजन है इस, वो पहले सतवाना डायनेस्टी हुआ करता था तेलंगाना महाराष्ट्र कुछ पोर्शन महाराष्ट्र का, इसलिए इसको पहले आंध्रा डायनेस्टी भी बोला जाता था। At times, this rule included parts of Karnataka, Gujarat, Madhya Pradesh, and their capital cities varied at the different times. As a Paristhana, is a Pathan, which now is Pathan, and Amravati were its capital. And then the first native Indian rulers to issue their own coins. These were the first native Indians who issued their own coins. Portrait of the rulers, portraits, etc. The rulers' ki portraits ka jo start hua, wo yahi se start hua. This practice was started by Gautami Putra Satkarni, ne start kiya tha ye sab. And Western Satparas after defeating them. The coin legends were in the Prakrit language. जो प्राकृतिक लैंग्वेज है उसमें इनके कॉइन्स हुआ करते थे और ये लैंग्वेज मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज हुई है जितनी पुरानी जो डायनेस्टीज हैं उनमें। सम रिवर्स कॉइन लेजेंड्स इन आर तेलुगु, तमिल एंड कन्नड़ा। और बाकी जो इनकी मदर टंग हुआ करती थी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जो इनका एम्पायर था उसमें भी हुए हैं। दे पेट्रॉइनर्स प्राकृतिक मोर देन संस्कृत, ये प्रकृतिक को ज़्यादा फॉलो किया करते थे, प्राकृतिक को प्रकृत बोलते हैं उसका। दिस द सपोर्टेड बोथ बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, ऑल दो देवर हिंदुइज्म एंड क्लेम ब्राह्मणिकल स्टेटस। ये वैसे बुद्धिज्म और उनको भी सपोर्ट करते थे बट ये क्लेम करते हैं कि इनका जो स्टेटस था वो ब्राह्मणिकल था। वैसे भी जो मोस्टली साउथर्न पार्ट है वहाँ पे ब्राह्मणिकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो वो मोस्टली वही है। एडमिनिस्ट्रेशन सतवाना डायनेस्टी वाज एंटायरली बेस्ड ऑन द शास्त्रास, मतलब जितनी जो इनका सिस्टम था वो वैदिक जो सिस्टम है उसके पर बेस्ड था। और सम इनका जो स्ट्रक्चर था एडमिनिस्ट्रेशन का वो इनके इंस्क्रिप्शंस पे डिस्क्राइब किया गया है। और एग्रीकल्चर इनका मतलब बैकबोन हुआ करता था इकॉनमी के लिए, जो मेन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो इनके मतलब इकॉनमी का जो सोर्सेस था वो था। दे रिलाइड ऑन ट्रेड एंड वेरियस कॉमोडिटीज विद इन द आउटसाइड इंडिया, ये मतलब ट्रेड वगैरह पे बहुत रिलाई किया करते थे। एंड द फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म, ब्राह्मणिकल कास्ट एंड जेनरसिटी टुवर्ड कास्ट रिलीजन विच इज एविडेंट फ्रॉम द ग्रांट्स मेड बाय देम टुवर्ड्स बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। और इन्होंने जैन विहाराज वगैरह मतलब कंस्ट्रक्ट कराए, मेनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड चैत्य वर कंस्ट्रक्ट इन चैत इन वेस्टर्न डेक्कन ड्यूरिंग द रूल ऑफ सतवाना। इनके टाइम पे बहुत सारे चैत्य और विहाराज बने, चैत्य विहार होते थे जहाँ पे लोग स्टे किया करते थे, जो मतलब जो आउटसाइडर्स होते थे या ट्रैवलर्स हुआ करते थे
जितने भी जो लोग आके रुका करते थे, जैसे अभी धर्मशाला होती है, तो जो बुद्धिज्म या जैनिज्म में बात करें तो विहारा जो चैत्यास बात करते हैं, और अग्राराज हुआ करते थे इन्होंने, ब्राह्मण्स वगैरह के लिए जो होते थे वो अग्राराज हुआ करते थे, जहाँ पे वो लोग किसी को एजुकेशन्स वगैरह प्रोवाइड किया करते थे, जिनको आश्रम टाइप में होता था। और जो पुलवामी फोर्थ था, कंसिडर्ड द लास्ट किंग ऑफ मेन सितवाना लाइन एंड ही रूल्ड अंटिल दैट एंड आफ्टर हिज डेथ एम्पायर फ्रेगमेंटेड इंटू फाइव स्मॉलर किंगडम में ये डिवाइड हो गया था, और उसी के बाद से डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, क्योंकि जैसे डिवीजन स्टार्ट हुआ तो वो जो स्ट्रांग था वो वीक, मतलब किंगडम जो वीक होने लगा। अब बात करते हैं पल्लवा डायनेस्टी, जो विष्णु गोपा थे वो वॉज डिफिटेड बाय समुद्र गुप्ता एंड इन साउदर्न एक्सपेडिशन इशूड अर्लियर इंस्क्रिप्शन इन प्रकृत एंड संस्कृत लैंग्वेज, अपने इंस्टीट्यूट किए हुए हैं, देवर पैट्रोनाइज ब्राह्मणिज्म, ये भी मतलब ब्राह्मणिज्म के फॉलोअर थे पल्लवा डायनेस्टी, क्योंकि पल्लवा भी डेक्कन का पार्ट ही रही है। ही वॉज अ ग्रेट वॉज द कैपिटल द कांचीपुरम वॉज हिज कैपिटल। इसके बाद आए सिम्हा विष्णु, ये रियल फाउंडर ऑफ पल्ला डायनेस्टी का, इनका जो रियल फाउंडर बोला जाता है। ही वॉज ए ग्रेट रूलर हु डिफिटेड काला बहराज चोलास टू एक्सटेंड टेरिटरी टिल कावेरी, इन्होंने इन लोगों को हरा के अपना एक्सटेंशन टेरिटरी को एक्सपेंड किया कावेरी रीजन तक। महेंद्र वर्मन की बात करें तो महेंद्र वर्मन का जो पीरियड है 600 से 630 BC AD माना जाता है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पल्लवा एंड चालुक्या बिगेन, यहीं से जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था पल्लवा और चालुक्या में, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। पुलकेशिन सेकंड मार्च अगेंस्ट दैम एंड कैप्चर्ड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ किंगडम। पुलकेशिन चालुक्य डायनेस्टी का रूलर था, ही वॉज जैन फॉलो ही वॉज अ जैन फॉलोअर थे ये महेंद्र वर्मन एंड वट कन्वर्टेड टू द सेविज्म आफ्टर इन्फ्लुएंस ऑफ द सिवा सेंट। त्रिम्बकेश्वर अपार ही इज कंसिडर्ड एज ए बिल्डर ऑफ केव टेम्पल्स, बट टेम्पल्स ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा, एंड ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड, इन्होंने टेम्पल्स बनवाए एंड ही ऑल्सो प्रमोटेड आर्ट एंड म्यूजिक, ये बहुत बड़े आर्ट एंड म्यूजिक को प्रमोट किया करते थे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। एंड नरसिंह वर्मन जो फर्स्ट थे, ही ऑल्सो नोन एज ममाला एंड विच मीन्स ग्रेट रेस्लर, डिफिटेड द डिफिटेड पुलकेशिन सेकेंड ऑफ वेस्टर्न चालुक्याज इन बैटल ऑफ द मणि मंगलम नियर कांची, ही कैप्चर्ड एंड डिस्ट्रॉय द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ बतापी एंड ही अज्यूम द टाइटल ऑफ बतापी कोंडा, इनको बतापी कोंडा का टाइटल दिया था आफ्टर बतापी को जीतने के बाद। ही लेड नेवल एक्सपेडिशन टू श्रीलंका ड्यूरिंग हिज रीगन ह्योंगसेंग विजिटेड कांचीपुरम, ही कॉल्ड इट बिग अ ब्यूटिफुल विद 100 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज विद 10,000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स। इनके टाइम पे बोला जाता है कि जब हिंगसेन जो चाइनीज ट्रेवलर था वो आया था उस टाइम पे, मतलब इनके जो किंगडम में ना 100 मोनेस्ट्रीज थी और 100 बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एंड 10,000 बुद्धिस्ट मॉन्क रहा करते थे। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ द मल्लमपुरम एंड मोनोलिथिक रथाज, मल्लमपुरम जो अभी प्रेजेंटली जाना जाता है महाबलीपुरम के नाम से, और मोनोलिथिक रथाज थे क्या, नरसिंह वर्मन सेकेंड ऑल्सो नोन एज द राजा सिम्हा, ही हिज रूल वॉज पीसफुल एंड ऑफर्ड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स, इनके टाइम पे आर्ट्स का बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट रहा है। सो टेम्पल एट मल्लमपुरम एंड द कैलाशनाथ एट कांचीपुरम, इन्हीं के टाइम पे जो वो टेम्पल बने हैं, सो टेम्पल वो मल्लमपुरम इज महाबलीपुरम और कांचीपुरम में जो कैलाशनाथ टेम्पल है। द मैरिट टाइम ट्रेड फ्लरिश ड्यूरिंग ड्यूरिंग हिज रीगन, इन्हीं के टाइम पे जो मैरिट टाइम ट्रेड स्प्रेड हुआ था बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं परमेश्वरा सेकंड और नंदीवर्मन, इनके टाइम के बहुत सारे सक्सेसर रहे हैं। और जो पल्लवा रूल था लास्टेड बोला जाता है 9th century AD, अपराजिता वॉज द लास्ट पल्लवा रूलर वॉज डिफीटेड बाय आदित्य फर्स्ट ऑफ चोला डायनेस्टी। इनकी जो सोसाइटी थी पल्लवा डायनेस्टी की, तमिल सोसाइटी हुआ करती थी, जहाँ कास्ट सिस्टम बहुत ही रिजिड होता है, कि जो यहाँ के साउदर्न पार्ट के जो ब्राह्मण्स होते हैं बहुत रिजिड, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते हैं। देव द पीरियड सॉ राइज ऑफ द सेविज्म एंड वैष्णविज्म एंड वाइल बुद्धिज्म जैनिज्म डिक्लाइन, धीरे धीरे बुद्धिज्म और जैनिज्म डिक्लाइन हुआ और सेविज्म एंड वैष्णविज्म यहाँ पे फ्लरिश्ड हुआ। द सिवा नयनर्स एंड द वैष्णवा इज अलवर्स लेट भक्ति मूवमेंट, यहाँ पे जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जब भक्ति मूवमेंट के टाइम पे तो जो नयमार्स थे सेवन आया और वैष्णवर्स वो यहीं के थे पल्लवा डायनेस्टी के।
घाटिका इज अ कांचीपुरम वॉज ए पॉपुलर सेंटर फॉर लर्निंग. घाटिका एक पॉपुलर सेंटर हुआ करता था फॉर लर्निंग. यहाँ पे ये जो बुद्धिज्म की जो मतलब लर्निंग हुआ करती थी वो यहीं पे थी. महादेव द महेंद्र वर्मन फर्स्ट रोट मत्ता विलास परसानम ये एंड ही पैट्रोनाइज बाय नंदी वर्मन ट्रांसलेटेड महाभारत इंटू भारत वेनबा इन तमिल. इन लोगों ने कुछ जो ट्रांस अपने जो हमारे जो पुराने एपिक वो थे ग्रंथ थे उनको ट्रांसलेट कराया अपनी मतलब खुद की जो इनकी मदर टंग थी लैंग्वेज में. पल्लवा जो आर्ट और डायनेस्टी मतलब पल्लवा टाइम की जो डायनेस्टी आर्ट है एंड आर्किटेक्चर्स है वो इंट्रोड्यूस इन एग्जिस्टिंग टेम्पल्स फ्रॉम रॉक. मतलब ये लोग रॉक से रॉक वगैरह को वो करा के मतलब कटिंग करा के टेम्पल्स बनवाया करते थे. उसको एक्सकेविटिंग बोला जाता है. एंड दे बिगिन द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. द्रविड़ियन स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है वो यहीं से ज़्यादा मतलब हुआ बिगिन स्टार्ट हुआ यहाँ पे. पल्लवा टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन फोर डिफरेंट स्टाइल. पहला फर्स्ट जो मंदिर महेंद्र वर्मन के टाइम पे हुआ वो रॉक कट टेम्पल्स हुए थे. जैसे कि उनमें महामंदु दलवंदु तिरुचिरापल्ली वगैरह में इनमें किया. दूसरा है अंडर ममाला. ममाला के टाइम पे मोनोलिथिक रथाज ऑफ महाबलीपुरम अंडर द नरसिंह वर्मन ये सब ये हुआ. देवर इनको नरसिंह वर्मन को ममाला भी बोला जाता था. देवर फाइव रथाज ऑफ फाइव पगोड़ाज ऑल्सो नोन एज पांच पांडवा रथाज विद मंडपाज कवर्ड विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर ऑन इट. मंडवाज एट महिषासुर मर्दिनी मंडप तिरुमूर्ति मंडप वर्षा मंडप ये सब वहाँ पे बने हुए हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर बनाया था इनके टाइम पे. एंड अंडर राज सिम्हा द इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल टेम्पल बिल्ड बाय सॉफ्ट सैंड रॉक्स. कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रेटेस्ट पल्लवा आर्ट. द सूर टेम्पल एट ममलापुरम या महाबलीपुरम भी बोल सकते हैं वॉज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अंडर हिम. एंड अंडर द लेटर पल्लवाज रूलर अपराजिता मुक्तेश्वरा टेम्पल मतंगेश्वरा टेम्पल एट कांचीपुरम. एट मल्लमपुरम की बात करें इज ओपन आर्ट गैलरी वेयर द डिसेंट ऑफ द गंगाज एंड द पेजेंस ऑफ अरुणाज यूनेस्को जो है और एक यूनेस्को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी जो वर्ल्ड मतलब जितना भी हमारा साइंस कल्चर वगैरह को कवर करती है और उसको मतलब प्रोटेक्ट करती है. तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट को इन्होंने किया. ही इज ऑल्सो नोन एज द फ्रेस्को पेंटिंग इन स्टोन. अब बात करते हैं चोला डायनेस्टी की. आफ्टर संगम विजय जो विजयालय चोला था बिलोंगिंग टू उड़ियार कैप्चर द कावेरी डेल्टा फ्रॉम द मुठरियार एंड इन मिड 9th सेंचुरी विजयालय बिल्ट तंजावुर टाउन. इन्होंने तंजावुर टाउन बनाया. उनके जो कुछ फेमस रूलर रहे इस डायनेस्टी के वो हैं चोला राज फर्स्ट आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ द प्रांत का फर्स्ट राजा राज थ्रोन दैट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 985 AD. ही डिफिटेड द चेरा एंड पांड्या रूलर्स एक्सटेंडिंग हिज एम्पायर वाई अप टू रिवर तुंगभद्रा. ही लेड नेवल एक्सपेडिशन अगेंस्ट मालदीव्स एंड कैप्चर्ड इट. होल्ड द टाइटल लाइक द मुमुदी चोला बोला जाता था इनको. जयन कोंडा शिवापद केसेरा. ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ सेविज्म. हैंज बिल्ड द टेम्पल फॉर शिवा राजेश्वरा टेम्पल पॉपुलरली नोन एज बृधेश्वरा टेम्पल एट तंजौर जो भी है प्रेजेंटली. इन 1010 AD द टेम्पल इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया. अंडर मोस्टली जितने भी जो साउदर्न पार्ट के जो टेम्पल्स हैं पुराने जो इनके पुरानी डायनेस्टी के टाइम पे बने हैं वो सारे मतलब मोस्टली वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कवर किए जाते हैं. ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स इज ऑल्सो पेट्रोनाइज एट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट द नागापट्टिनम. ये सब इन्हीं के पार्ट हैं. इसके बाद आए राजेंद्र फर्स्ट जिनका पीरियड रहा है 114 से 144 AD. वह सक्सेडेड हिज फादर. ही डिफिटेड द सेलनीज किंग महिंदा फिफ्थ एंड कॉन्कर्ड द होल श्रीलंका इंक्लूडिंग द नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट्स. ही ऑल्सो डिफिटेड जयसिम्हा सेकेंड. इनका और फिर कुछ रही है. चोला एम्पायर अचीव्ड इट्स पीक अंडर राजेंद्र फर्स्ट. इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा पीक पे था. ही टाइटल एज मुदी कोंदन गंगाई कोंडन एंड द कदरम कोंडन पंडिता चोलान. और जो ये थे ये सेवियाइट थे. हैव ए ह्यूज एंडोनमेंट टू लॉर्ड नटराजा टेम्पल. ये जो नटराज टेम्पल है वो एट द चिदम्बरम में वो इन्हीं के टाइम पे है. ही वॉज टॉलरेंट ओवर वैष्णविज्म एंड बुद्धिज्म. आफ्टर कुलुटुंगा एंड फर्स्ट एंड कुलुटुंगा सेकेंड राजेंद्र थर्ड जो आए वॉज ए लास्ट चोला था जिन्होंने पांड्या किंग जयवर्धन को मतलब वॉज हु डिफिटेड पांड्या किंग को. चोला का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर रहा है वो द्रविड़ स्टाइल को फॉलो करते हैं और उस टाइम पे इस रीड से जेनिथ ड्यूरिंग द चोला एम्पायर. जो द्रविड़ स्टाइल है वो अपने मतलब बोलते हैं ना एक
हाई पीक पे होना किसी चीज़ को, वो उस टाइम पे था, क्योंकि जो द्रविड़ियन स्टाइल फॉलो की जाती थी इनके टाइम पे, एंड देवन मेन फीचर ऑफ चोला स्टाइल आर्किटेक्चर बिल्डिंग टू 5 to 7 stories टेम्पल बनाए जाते थे इस तरीके से, उनमें विमाना गोपुरिज्म क्वाड्रेट मंडप टाइप का पार्ट्स करके होते थे। जो चोला एम्पायर है, बृहदेश्वर टेम्पल है जो अभी तंजौर में, वो भी इनका क्लासिक एग्जाम्पल है द्रविड़ा स्टाइल का। जो सिस्टम ऑफ कैनाल्स इन साउथ इंडिया इज अ गिफ्ट फ्रॉम चोला। जो कैनल सिस्टम है, पहले खाली बड़ी बड़ी जो वो हुआ करती थी, बट इरिगेशन के लिए कैनल्स का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया वो इन्होंने ही किया। और जो ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट स्किल अटेंड ड्यूरिंग द चोलाज पीरियड। जो नटराज की जो ब्रॉन्ज की जो स्टैचू है, आपने देखा होगा बहुत ही पिक्चर्स में बना होता है नटराज वाला, डांसिंग सेवा वाला। एडमिनिस्ट्रेशन जो था इनका, वो साउदर्न रीजन ब्रॉड द अम्ब्रेला ऑफ सिंगल गवर्निंग फोर्सेस हुआ करते थे। उसके अंदर करंट टेरिटरीज तिरुचिरापल्ली, त्रिवरूर, अरयाल, नागापट्टिनम, ये सब जो पार्ट हैं तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ये इनकी पार्ट हुआ करते थे। जो किंगडम था वो डिवाइडेड इन 6 parts में हुआ, प्रोविंसेस हुआ करती थी, इज नोन एज मंडलम, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं हम जिनको, इज पेड मंडलम। एंड कोट्टम वॉज सब यूनिट ऑफ मंडलम, एंड नादू वॉज अ सब यूनिट ऑफ कोट्टम। एंड दिस सिस्टम रूल वॉज दैट ईच विलेज एक्टेड एज अ सेल्फ गवर्निंग यूनिट ड्यूरिंग द एरा ऑफ चोला। किंग रिमेन सेंट्रल अथॉरिटी हु वुड मेक द मेजर डिसीजन एंड कैरी आउट द गवर्नेंस। चोला एंड देयर रीगन मार्क इज अ रिमार्केबल पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, एंड दे सॉ ए मैसिव कल्चरल स्पर्ट अलॉन्ग विद द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एंड इट्स मीनिंग। अब बात करते हैं इस वीडियो की लास्ट पार्ट की, सुंगा डायनेस्टी। द लास्ट मौर्यन किंग वृद्रथा वॉज किल्ड बाई हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्रा सुंगा इन 185 BC। इसका ओरिजिन माना जाता है मौर्यन डायनेस्टी का डिक्लाइन, और इसका स्टार्टिंग पीरियड जो है ये स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जो ये कमांडर था पुष्यमित्रा सुंगा, वो मौर्यन डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे उनके अंदर कमांडर हुआ करता था। उन्होंने ही लास्ट मौर्यन किंग को मर्डर करके आपको उसको कैप्चर कर लिया था। ही डिड सो इन बींग डिस्कस्ड विद हिज रूलर पॉलिसी सो कॉल्ड नॉन वायलेंस दैट स्टूड इन द वे ऑफ हिज लीडिंग कैंपेन अगेंस्ट द अलायन इन्वेडर्स हु हैड ऑक्यूपाइड अ बिग चंक ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ही आफ्टर द फॉट अगेंस्ट द इन्वेडर एंड पुश दैम बियॉन्ड द नेचुरल नॉर्दर्न वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री एंड परफॉर्म अश्वमेध याजना ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। ही ऑल्सो परफॉर्म ए ग्रैंड अश्वमेध याजना इन पाटलिपुत्रा द कैपिटल दैट दस ही री एस्टैब्लिश द वैदिका धर्म इन इंडिया। इस उन्होंने ही फिर से वैदिक धर्म का जो री एस्टैब्लिशमेंट किया था आफ्टर मौर्यन। ही सेन अग्निमित्राज लाइफ इन कालिदास ड्रामा मलवी कग्निमित्रम, एंड देन पुष्पमित्रा सुंगा इज अ ब्राह्मण द ब्राह्मण फ्रॉम उज्जैनी बिकेम द रूलर ऑफ मगधा एंड नेबरिंग टेरिटरीज एंड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन कंप्राइजिंग राजपुताना मालवा पंजाब अफगानिस्तान एंड द बलूचिस्तान पास्ड इन टू द हैंड्स ऑफ ग्रीक रूलर। ही वॉज सक्सीडेड बाय सन अग्निमित्रा। अग्निमित्रा इज द हीरो ऑफ मलाविका अग्निमित्रा ए फेमस ड्रामा बाय द कालिदासा। एंड आफ्टर अग्निमित्रा द पावर ऑफ द सुंगास ग्रेजुअली वीकेंड हो गई थी, क्योंकि ये इतनी बड़ी डायनेस्टी नहीं थी, और जैसे ही अग्निमित्रा का पीरियड डिक्लाइन हुआ इसके बाद ये डिक्लाइन हो गई, मतलब कमजोर होने लगी, क्योंकि एंड द सुंगा डायनेस्टी लास्ट फॉर अबाउट 1 century वॉज देन ओवरथ्रोन बाय द ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेवा हु फाउंडेड द कन्वा डायनेस्टी। तो ऐसे ही सुंगा डायनेस्टी का डिक्लाइनेशन हुआ और कन्वा डायनेस्टी का स्टार्ट हुआ एक ब्राह्मण मिनिस्टर थे। तो इस वीडियो में हमने जितनी भी जो डायनेस्टी की हैं उनमें से आप थोड़ा सा ब्रीफ में मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हैं। बाकी अब हमारा जो लास्ट वीडियो आएगा इसका मेजर डायनेस्टी का, उसमें मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगी। थैंक यू।